हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन गेट 2018। सो लेट्स सी हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड। द क्वेश्चन इज हाउ अ हाउस हैज अ नंबर व्हिच नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन दैट कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द हाउस नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाउस है, उसका कुछ नंबर है ना, लेट एन इज द नंबर ऑफ द हाउस, उसका नंबर है कुछ n। हमें ये तीन स्टेटमेंट जो गिवन है, इन तीन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें नंबर हाउस का नंबर बताना है कि हाउस का नंबर क्या हो सकता है। वो क्या गिवन तीन स्टेटमेंट है। पहला है, इफ द हाउस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 देन इट इज अ नंबर फ्रॉम 50 to 59। दैट मीन्स अगर हाउस का नंबर 3 के मल्टीपल में है, फॉर एग्जाम्पल अगर 50 to 59 के बीच की बात करें तो 51, 54, 57 है ना, तो क्या होगा, तो हाउस विल बी उसके बीच में होगा, 50 to 59 के बीच में। इफ द हाउस नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, देन द नंबर विल बी बिटवीन 60 to 69। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज इफ इट इज द हाउस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6 देन इट इज अ नंबर फ्रॉम 70 to 79। तो ये हमने क्या किया है, एक ग्राफ में इसको ईजी करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया, जिसे आपको ईजी अंडरस्टैंड आप कर पाओ। तो कंडीशंस है, मल्टीपल ऑफ 3 तो 50 to 59 के बीच में होगा, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 तो 60 to 69 के बीच में होगा, एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 6 देन 70 to 79 के बीच में होगा। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के थ्रू ले चलेंगे। जो गिवन ऑप्शन होगा उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 54। पहला ऑप्शन है 54। तो 54 देखते हैं कि क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो क्वेश्चन है ना, ये आप ध्यान से सुनिएगा, जो ऑप्शन हमें सेटिस्फाई करेगा उसको हम टिक करेंगे, और जो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा वहां पे हम क्रॉस का निशान बनाएंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा उस पर टिक मार्क करेंगे, और जो ऑप्शन रॉन्ग होगा उसको रॉन्ग करेंगे इस अपने बॉक्स में। अब देखते हैं पहला क्या है, 54। क्या 54 ऑप्शन हमारा सही होगा, इससे हमारा हाउस नंबर क्या सही होगा, 54 विल बी द हाउस नंबर, लेट्स सी। तो 54 देखो, 54 क्या है, तो 54 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 या इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, दूसरा, और क्या 50 and 59 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है हमारा नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है ना, दैट मीन्स कि 54 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 या इट इज ऑल्सो राइट, ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, रिमाइंडर आएगा कुछ। ठीक है, तो क्या 60 to 69 के बीच में है, हमारा जो नंबर है वो 60 to 69 के बीच में होना चाहिए, नहीं है, नंबर क्या है, नंबर इज 54। ठीक है, नंबर हमारा क्या है, नंबर हमारा है 54, और ये 54 60 to 69 के बीच में लाई नहीं करता है। तो ऑल दो इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 बट 54 डजंट लाई बिटवीन 60 to 69। सो ये हमारा यहीं पे हमारा जो ऑप्शन है 54 गलत हो जाता है। अब नॉट मल्टीपल ऑफ 6 या 54 इज मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, तो 54 इज मल्टीपल ऑफ 6, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट तो हमें जाना ही नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट में ही हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत प्रूफ हो जाता है। लेट्स सी आगे, अब आगे क्या है, ठीक है, आगे क्या है, 65 देखते हैं। ठीक है, 65 क्या है कि 65 इज मल्टीपल ऑफ 3, नो, 65 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अगर नॉट मल्टीपल है तो नंबर 50 to 59 से ऊपर नीचे हो सकता है, अगर मल्टीपल हो जाता, अगर यही 65 मल्टीपल हो जाता तो इसके बीच में होना चाहिए, बट नॉट मल्टीपल है, दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन राइट है। ठीक है, 50 to 59 के बीच में लाई नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं कर रहा है ना, 65 लाई नहीं करता है 50 to 59 के बीच में। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 65 है ना, 65 विल बी द मल्टीपल ऑफ 4, तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है ना, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये भी ऑप्शन सही होता है, 60 to 69 के बीच में नंबर लाई करना चाहिए, या 60 to 69 के बीच में नंबर लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि हमारा ये ऑप्शन सही होता है। ठीक है, आगे क्या है कि नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6 है ना, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। अब देखो, अगर हम बात करें किसकी, 65 की, तो 65 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6 या इट इज ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, तो नंबर किसके किसके बीच में लाई करना चाहिए था, 70 to 79 के बीच में लाई करना चाहिए, बट 70 to 79 के बीच में लाई ना करके ये हमारा नंबर 65 जो है वो 60 to 69 के बीच में लाई करता है, तो हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है।
तो ये आपको समझ में आया है ना, जहाँ पे रॉन्ग हो रहा है बस उसको क्रॉस कर देना है। तो यहाँ थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जा रहा है। क्यों रॉन्ग हो रहा है एक बार और समझिए, क्योंकि जो नंबर है वो नॉट मल्टीपल की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, बट 70 to 79 के बीच में नहीं है हमारा 65, इसीलिए हमारा रॉन्ग हो गया। अब 66 की बात देखते हैं, तो 66 क्या 3 से मल्टीप्लाई है? यस, इट इज मल्टीपल ऑफ 3 है ना, मल्टीपल ऑफ 3 है हमारा, तो हमारा कंडीशन यहीं पे रॉन्ग हो जा रहा है ना। 66 मल्टीपल ऑफ 3 है, अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो 66 अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो हमारा ये नंबर 66 50 to 59 के बीच में लाई करना चाहिए, वो हमारा ना लाई करता है, 66 60 to 69 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, कि मल्टीपल ऑफ 3 है बट 66 50 to 59 के बीच में लाई नहीं करता है, इसीलिए यहीं पे ये गलत हो गया। अब 76 की बात देखते हैं। ठीक है, 76 का देखते हैं हम लोग। देखो 76 क्या है, पहला ऑप्शन देखो, 76 मल्टीपल ऑफ 3 है? नो, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। तो अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो इससे लेना देना नहीं है, अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो 50 to 59 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ही होगा, मतलब नहीं लाई करेगा, हमारे लिए सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि इफ द नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 देन इट इज अ नंबर बिटवीन 60 to 69। अब 4 के मल्टीपल में है कि नहीं है ये देख लो। तो देखो ये 4 के भी मल्टीपल में है, ये 4 के मल्टीपल में है कि नहीं है? इट इज मल्टीपल ऑफ 4 है ना, 4 × 4 = 9 = 36, दैट मींस 19 के मल्टीपल, 19 इसका आएगा क्या क्वेश्चन। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इट इज अ मल्टीपल, अगर ये मल्टीपल में है तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो रहा है कि 60 टू 69 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही नंबर हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होकर कोई रिमाइंडर में आया था तो नॉट मल्टीपल हो जाता, तो कंडीशन हमारी यहाँ पे ख़राब हो जाती, बट हमारा सेकंड कंडीशन भी यहाँ ट्रू बैठ रहा है क्योंकि जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो मल्टीपल ऑफ 4 है तो हमें जो है मल्टीपल ऑफ 4 है ना, मल्टीपल ऑफ 4 है तो जो नंबर है वो 60 टू 69 के ऊपर नीचे हो सकता है। नाउ अगर हम बात करें यही 76 6 के मल्टीपल में है तो नॉट अ मल्टीपल आ रहा है, तो नॉट अ मल्टीपल आ रहा है, दैट मींस ये केस सेटिस्फाई हो रहा है, देन इट इज अ नंबर बिटवीन 72 टू 79। यस, 76 लाइज बिटवीन 72 79, दैट मींस ये भी ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है? ऑप्शन डी, डी विल बी आवर द राइट आंसर।